निताई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम में सागर रफीक। इस वक्त सबसे बड़ी खबर और बड़ी खबर शुमाली कश्मीर जिले कुपवाड़ा से आ रही है। सरहदी जिले कुपवाड़ा के फॉरेस्ट डिवीजन कामील रामहाल रेंज के इलाके जुनरिशी में आज उस वक्त महकमा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्कैंडल का पर्दाफाश हुआ, जब फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स को एक मुसद का इतला मिली कि जुनरिशी चौकी बल के मुकाम पर कुछ खुदगर्ज या फिर जिन्हें जंगल समगलर कहते हैं, जंगल समगलरों ने दिन दहाड़े जंगलात का कटाव अमल में लाया और जंगल के अंदर ही चिराई का काम शुरू किया गया। जराए के मुताबिक बावसूक जराए के मुताबिक खबर मिली है कि 200 फुट के करीब जो है इमारती लकड़ी, चिराई शुदा लकड़ी जिसे हम कहते हैं, वो अपनी तहवील में महकमे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के अहलकारों ने ले ली है। ताजा तरीन सूरत हाल के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सीनियर संवाददाता ब्यूरो चीफ नॉर्थ कश्मीर मीर जावेद जुड़ चुके हैं। मीर जावेद, क्या असल मामला है? और जो तस्वीरें हमारे पास पहुंच चुकी है इसे साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि जंगल का तहस नहस हो चुका है वहां पर। जी सागर, मैं आपको बताऊं, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स को एक खसूसी इतला मौसूल हुई थी कि जुनरेशी चौकी बल जो के रामहाल रेंज के साथ वाबस्ता है और वहां पर जुनरेशी के मुकाम पर 200 फुट के करीब गैर कानूनी तामीराती चराई हुई लकड़ी मौजूद है और जो ही फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के अहलकार जाई मौके पर पहुंच गए तो 200 फुट से ज्यादा लकड़ी मौजूद थी। ताहम मालूम हुआ है कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स 11 बजे से 5 बजे तक महकमे जंगलात के मुतलिका मुलाजमीन का इंतजार करते रहे, लेकिन मुतलिका मुलाजमीन ने मौके पर जाने से इनकार किया। ताहम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने मामला फौरी तौर पर डीडी कहमील यानी डिप्टी डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कहमील और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर कहमील मोहम्मद अयूब की नोटिस में लाया, लेकिन महकमे जंगलात के मुलाजमी टस से मस नहीं हुए। चूंकि मेरी बात फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के ऑफिसरान से हुई, ताहम उन्होंने 200 फुट लकड़ी जब्त करने की तस्दीक की, बल्कि डीएफओ कहमील से मैंने फोन पर रब्ता करने की कोशिश की, ताहम उनसे रब्ता नहीं हो सका। बल्कि दिन भर मैं उनके इस बारे में उनसे रब्ता करने की कोशिश में रहा, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो सका। लेकिन मैं आपको बताऊं सागर, लेकिन जो इलाके जुनरेशी है वहां पर 200 फुट लकड़ी जब्त करना एक मामूली सी बात है, क्योंकि वहां पर इससे पहले कई बार इलाके जुनरेशी में ऐसे का पेश आए, क्योंकि जुनरेशी इलाका वो इलाका है जहां पर ऐसे काफी मामला देखने को मिल रहे हैं। वहां पे जो भी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के मुलाजमीन तैनात हैं, उनकी नेग्लिजेंस यानी उनकी लापरवाही से जंगलात का बेतहाशा कटाव हो रहा है। क्योंकि 200 फुट वहां पे जब्त करना कोई बड़ी बात नहीं है सागर, तो कहीं ना कहीं सराहना करनी चाहिए हमें महकमे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की, जो आयन मौके पर वहां पर पहुंचे और चराई शुदा इमारती लकड़ी को अपनी तहवील में ले लिया। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का आज इस भारी बर्फबारी में उस इलाके में पहुंचना और वहां पे इतनी लकड़ी को जब्त करना, लेकिन तारीफ तो हम या उनकी सराहना नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी है सागर। अगर महकमे जंगलात का एक फॉरेस्ट गार्ड यानी 50,000 से लेकर 60,000 या 70,000 रुपए तनख्वाह वसूल करता है, तो एक बीट में अगर 3 या 4 मुलाजमीन ड्यूटी होते हैं, तैनात होते हैं वहां पर, यानी लाखों रुपए की तादाद में वो तनख्वाह सरकारी ट्रेजरियों से वसूल करते हैं, लाखों रुपए तनख्वाह वसूल करने के बावजूद भी अगर वो उस सरसब्ज सोने की रखवाली नहीं करेंगे तो उनपे ये तनख्वाह लेना कौन सा हलाल हम उसको कहेंगे। जावेद यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा जब हमने खुद रेंज ऑफिसर रामहाल से बात की तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जो है वहां पर पहले तो उन्होंने कहा था कि हैवी स्नोफॉल होने के कारण जो है वहां पे एक पेड़ गिरा था और किसी शरपसंद अनासर ने उसकी चराई शुरू की। फिर उन्होंने कहा था कि हमारे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, हम जब जरूरत पड़ेगी हम वो रिकॉर्डिंग भी प्ले करने की कोशिश करेंगे और प्ले करेंगे, क्योंकि जब हमने बात की थी उनके साथ उन्होंने यही कहा था कि कुछ खुदगर्ज अनासरों ने पेड़ काटा और पेड़ कटाई करने के बाद जो है उसकी चराई
अमल में लाई जंगल के अंदर, और उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने एफआईआर भी लॉज किया दो व्यक्तियों के खिलाफ जो है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने एफआईआर लॉज किया है। फिलहाल जो उन दो व्यक्तियों का नाम उन्होंने गुप्त में रखा, उन्होंने कहा कि वक्फे पर हम आपको ताजा तरीन सूरत हाल दे देंगे और इस हवाले से भी आगाह करेंगे। लेकिन अभी तक करीबन 8:08 तो हो चुके हैं, हमारी घड़ी में 8:09 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई फोन कॉल वहां से मौसूल हुई। हमने भी राबता करने की कोशिश की लेकिन राबता नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है इस वक्त महकमे जंगलात के एहलकार और महकमे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स जो है इस वक्त लगातार सपाट पर मौजूद होंगे, उस लकड़ी को जो है डीएफओ के दफ्तर में लाने की कोशिश की जा रही होगी। लेकिन जावेद यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको लगता है कि अगर हैवी स्नोफॉल की बात करें, जो भारी मात्रा में बर्फ गिरी है, आपको लगता है कि कुछ जो जिन्हें हम जंगल स्मगलर कहते हैं वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं? क्योंकि ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी कोई इतना तूफान नहीं आया है महकमे जंगलात के फॉरेस्ट इलाकों में कि वहां पे बर्फ की वजह से दरख्त गिर चुके हैं। मान लेते हैं अगर उनका ये कहना है, मुझे ये बताइए जो आप इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, तस्वीरें जो देख रहे हैं, ठीक है अगर कोई दरख्त वहां पे गिर भी हुआ है तो, लेकिन जो चराई हो रही है, गैर कानूनी चराई हो रही है, इसको दबाने की बहुत कोशिश की जा रही थी महकमे जंगलात की जानिब से, लेकिन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने उनका पर्दाफाश किया है। अब देखना यह है सागर के महकमे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कौन सी कार्रवाई अमल में लाएंगे। अभी तक अगर आप कह रहे हैं कि रेंज ऑफिसर से भी हमारी बात हुई, ताहम अभी तक आइडेंटिफाई क्यों नहीं हो रहे हैं जो मुलजम है उसमें मुलवस, या जो उसमें चाहे सरकारी मुलाजमीन उसमें मुलवस है, या चाहे उसमें और कोई जंगल समंगलंग मुलवस है, लेकिन अभी तक आइडेंटिफाई मुलजिमों को नहीं किया जा रहा है। ये सिलसिला वहां पे उसी तरह से ऐसे बहुत सारे मामला सामने आ रहे हैं। इलाके जुनारेशी में ये रामहाल रेंज है, रामहाल रेंज में इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे मामला सामने आए। शुक्रिया जावेद बने रहने के लिए, आप वक्फे वक्फे पर हमें इस चीज से आगाह करेंगे क्योंकि बहुत ही मामला गंभीर है, और गंभीर होने के साथ साथ जो है ये भी बताया जा रहा है, जो हमारे जराया है वहां पर जराया का मानना है और उनका कहना भी यही है कि लगातार कहीं ना कहीं जो है इस चीज को छुपाने की दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारी चैनल की यही पहल रहती है कि हम ऐवानी बाला तक इन जैसी हरकतों को, या फिर अगर हम कहेंगे कि इन जैसी चीजों को आईवानी बाला तक पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये किसी और चीज की तस्वीरें बल्कि कुपवाड़ा क्षेत्र के कामिल डिवीजन की तस्वीरें है, जमरिशी की तस्वीर, जमरिशी चौकी बल की तस्वीरें हैं, जहां पे आज जंगल समगलरों ने दिन दहाड़े जंगल के अंदर चिराई का काम अमल में लाया। मजीद जानकारी के लिए बने रहे, आप देखते रहे निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया।